बहुत ही प्यारी है लेह सिटी। हम लोग पहुंच तो पहले ही गए थे, लेकिन आज खाटूला टॉप चले गए थे, इस तरफ नहीं आ पाए थे। आज ही अब थोड़ा यहाँ निकलना हो पा रहा है। चलो चलो चलो, मजा इकट्ठा है। ये लेह सिटी लोग भाई हाय। अवर लद्दाख सिटी भाइयों, क्या है हाल चाल। आज हम लोग अपनी फाइनली लेह सिटी के एकदम नियर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोग हैं तरू में। अभी तरू में है मिलिट्री बेस का बहुत बड़ा कैंप, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको ही लगता है कि हाँ हम लोग लेह सिटी पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ से 28 किलोमीटर अभी लेह है, बीच में पड़ेगा तरू के बाद पड़ेगा शेह, और शेह से जो लेह का रास्ता है वो 15 किलोमीटर का, वो एकदम मस्त है। मतलब उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। तो उसके लिए टूर प्लान करते हैं उस रोड में जाने के लिए। हम लोग तो फिर उसी रास्ते से निकलेंगे, आप लोग देखिएगा वो शेह में भी कितना अच्छा लगता है। अभी तो तरू का काफ़ी जगह मिलिट्री जो कैंप बने हुए हैं, एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, 3 कैंप है, ऐसे जाने के लिए कैंप बने हुए हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं बाइक खड़ी है, प्लेन खड़े हैं, बाहर शो पीस में लगा रखे हैं एकदम। करू तो एक ऐसा है कि समझ लो मिलिट्री बेस कैंप ही है, बहुत ही बड़ा बेस कैंप। चलो अच्छा लगता है। लेकिन करू आते ही हम लोग को पेट्रोल पम्प मिल गया आफ्टर 296 किलोमीटर। हम लोग को जो पहले मिला था उसके बाद अभी करू में मिला है, इसलिए जेरिकेन ले रखे थे। लेकिन अभी तक तो हमें फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे अभी जेरिकेन में भी 10 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है, हम आराम से लेह पहुँच सकते हैं। लेह के हम तो खाटूला पहुँच जाएंगे। मेरी बाइक में एवरेज है 35 का एवरेज, एकदम इन पहाड़ों में बहुत गजब का एवरेज है रॉयल एनफील्ड है। वाह मानते हैं भाई, ये तो चलाने का स्टाइल भी हो सकता है। जो भी हो, एवरेज मेरे को बढ़िया मिला, इससे तो क्या चाहिए। अभी जो है यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी ख़त्म होने लगती है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी थोड़ी आ जाती है तरू के बाद से। और ग्रीनरी के बाद से तो काफ़ी और ही अच्छी ग्रीनरी आ जाती है। थोड़ा थोड़ा नहीं, अब ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, कवर हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की, वो तो खैर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। वो ऑक्सीजन की कमी तो खैर वो बॉडी लाइनअप से होती है। आप बॉडी मतलब आप जब पहाड़ों में कभी कबार आना है, या अगर आप विजिटर्स परमानेंट है पहाड़ों में, उत्तराखंड उत्तरांचल के हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर कहीं भी आप आते रहते हैं पहाड़ों में साल में 1-2 बार, तो आपकी बॉडी आपके फिगर आउट कर लेती है और आपको उस मौसम के हिसाब से डालना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे आते रहिए, कहीं ना कहीं घूमते रहिए, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं तो वाकई में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है। इतना भी आप लेके चलिए, अगर घूमते रहिए तो कभी नहीं पड़ती ना ऑक्सीजन की ना किसी चीज़ की। अब आज हम लोग का Day 7 था, बस समझ लो आज लेह पहुँचना तक चाहे जैसे पहुँचे बहुत काफ़ी लेट हो गया था। उसी से निकलते निकलते भी उसी से निकले, 78 किलोमीटर जर्नी थी। आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था हम लोगों ने कैसे कहाँ तक ये किया। उसके बाद अभी जो करू से हमने ये वीडियो बनाई है, करू के बाद से ये है कि 28 किलोमीटर्स की जर्नी रह गई। अब इसको भी बगल में इंडस नदी चल रही है बराबर में कंटिन्यू। ये इंडस नदी इस शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, ज्योग्राफी में तो हर कोई पढ़ता है इंडस नदी के बारे में। आज हम लोगों को देखने का सौभाग्य मिला। एक समझ लीजिए जो हम लोगों ने आज जो फैसला किया था कि हम लोग यहाँ से ले लद्दाख होते श्रीनगर होते हुए पूर ऐसे मनाली चंडीगढ़, और चंडीगढ़ मनाली और तरचू धारचा जिसपा उपसी होते हुए ले पहुँचेंगे। ले से फिर खरदुंगला, फिर वहाँ से करगिल द्रास, और वहाँ से होते हुए फिर श्रीनगर सोनमर्ग जितने भी एरिया है सब, मतलब सुधन तक इतना लंबा जर्नी हम लोग पूरे लुधियाना चंडीगढ़ होते हुए फिर वापस दिल्ली पहुँचेंगे। बहुत ही एक्सट्रीम जर्नी रही है। अधिकतर भी बहुत जगह बारिश भी मिली, बहुत जगह खुला भी मिला, बहुत जगह ठंड भी मिली, हर प्रकार का मौसम मिला। ये देखिए बगल में इंडस नदी चल रही है, मतलब मज़ा ही आ गया इस बार टूर में। 4200 किलोमीटर का हम लोगों ने जो
राउंड लिया है वो गजब का था। लेकिन अब इसके बारे में रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोग को आगे बताऊंगा कैसे कैसे आना है, कहाँ कहाँ रुकना है, मतलब कैसे कैसे क्या कर सकते हो, अगर आपका बजट भी कम है तो कैसे कैसे सर्वाइव कर सकते हो। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत से एक्सपीरियंस भी हैं, कहाँ पर क्या करना है, कितनी बाइक लिमिट रखनी है, हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस है। बाकी अब आप लोग लीजिए मज़े, मैं आपके साथ बना रहूँगा। अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो है, इसको मैं थोड़ा अभी और स्पीड में फॉरवर्ड करूँगा ताकि आप केवल देखो। बस यहाँ पर कुछ नहीं, बस रोड का ही मज़ा है, जो है एक्सपीरियंस सब रोड का है। अगर आप आते हैं लेह लद्दाख का ट्रिप बनाते हैं तो बस वो समझ लीजिए आपकी डेस्टिनेशन कुछ नहीं, आपकी डेस्टिनेशन रोज़ बढ़ेगी अगर आप बस रोज़ सड़कों पर चलते रहेंगे। वहाँ पर वक्तन नज़ारे हैं, अच्छी सड़क है, BRO को धन्यवाद कहना चाहेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा सुंदर काम कर रखा है, जहाँ कहीं कहीं थोड़ी बहुत है वहाँ पर BRO काम करती हुई दिखाई देती है। और ऐसा भी नहीं कि पहाड़ों में कोई लैंडस्लाइड हो जाए या कुछ हो जाए तो BRO सबसे पहले ही वहाँ आधे घंटे पहुँच जाते हैं, रास्ता क्लियर करने की कोशिश करता है, और जहाँ तक कोशिश करते हैं 2 घंटे के लिए खोल लेते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा समय लग जाता है। फिर प्रॉब्लम होती है हर जगह पहाड़ों में, तो फिर साधन के लिए नहीं है, मतलब फिर भी वो BRO इतना अच्छा काम कर रहा है, और जगह जगह BRO ने बोर्ड लगा रखे हैं, साइन दे रखे हैं, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रखे हैं, वो साइन पढ़ते चलिए थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। इतने रास्ते में देखिए जो ग्रीन बोर्ड आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। खैर BRO ने तो पूरे रास्ते में ये ग्रीन बोर्ड लगा रखे हैं ताकि आप उनको पढ़ते जाएँ, इन्जॉय करते जाएँ, समझते जाएँ। और बाकी आप जो देख ही रहे हैं वादियाँ, ये आपको लग रहा है यहाँ पर पूरा ग्राउंड एरिया, ये ग्राउंड एरिया यहाँ आता है काफ़ी हाइट चढ़ने के बाद, हम लोग 17,000 फीट ऊंचाई पर है, उसके बाद ये ग्राउंड है। अभी सोचिए इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद हम लोग ग्राउंड पर चढ़ना है, ये ग्राउंड भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर भी खाइयाँ आती हैं एकदम से, मतलब वो वैली टाइप की आती है, यहाँ पर भी है छोटा बड़ा, लेकिन खजूर टॉप जाते हैं तो और ऊँचाई पास हो जाता है। और टांग लांग ला तो खैर वहाँ रुक नहीं पाए थे, मैंने कहा था मैं आप सब लोग को वीडियो में बताऊँगा टांग लांग ला के बारे में। टांग लांग ला टॉप जो था वहाँ पर गया था कि हम लोग जैसे ही निकले थे तो वहाँ पर हमारे साथियों की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट 6:30 या शाम के 7 बजे हुए थे जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ, वैसे हम लोग कुछ वेदर पहने नहीं थे, हमने सोचा था कि अभी नॉर्मल चल रहा है मौसम। टॉप पहुँचे, टॉप में पहुँचते जैसे बाइक रोकी तो लिटरली 2 बंदों की हालत ऐसी हो गई तो बाइक नहीं रोक पाए, वो हिलते हिलते तो इतना हिलने लगे कि ऐसा लग रहा था कि क्या करें, लोग तुरंत वहाँ से भागना ही उन्होंने चाहिए समझा, फोर्ट तक क्लिक नहीं कर पाए, समझ लीजिए कितना ही वो उस टाइम पर छोड़ना जा रहा था, वहाँ से निकलना ही सबसे उचित लगा। वहाँ टांग लांग लांग फोटो नहीं खींच पाए तो फिर बाकी चलो कोई नहीं, कर दूंगा टॉप जाना था, उसके बाद जो प्लान था नुब्रा वैली का तो नुब्रा वैली भी शाम हो गई थी तो वहाँ नहीं जा पाए, तो उसके बाद था पैंगोंग लेक अगले दिन जाने का, लेकिन कुछ साथियों की तबीयत थोड़ी इसमें सुधार नहीं लगा तो वहाँ से निकलने ही कुछ निर्णय लिया। लेकिन फिर भी जो रास्ते का मजा वो जी चुके थे, पैंगोंग लेक जाने का फिर 250 किलोमीटर फिर जाना, 250 किलोमीटर आना, फिर वो थोड़ा तकलीफ दे हो जाता है साथियों के लिए, इसलिए सोचा कि इतने में तो हम लोग जम्मू 5 किलोमीटर में तो जम्मू ही पहुँच जाएंगे, तो थोड़ा उनको अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि हाइट लाइस की भी दिक्कत होती है लोगों को, पहाड़ें कई बार आकर के हाइट का भी इशू होता है तो लगता है कब पहाड़ खत्म होंगे, कब जीने नहीं मिलेगी। अब ये से वाली रोड है, यहाँ पर ग्रीन स्टार्ट हो जाती है और आप काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे स्तूप मिलेंगे देखने में साइड में, यहाँ पर लोग थोड़ा रोड सजावट को थोड़ा ध्यान दिया अगल बगल गाँव वालों ने, बहुत ही सुंदर रोड बना रखी है, इसको आप लोग देखिए मजे। बस ले अब यहाँ से रह गया ओनली 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर में ये काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी, बाकी अब आप लीजिए मज़ा और केवल बस वीडियो का मज़े लेते रहिए और प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
फाइनली ले पहुंच गए हैं ले सिटी।